अरे हम एक दिन हाईवे पे लगे थे, दारू पिए था। दारू पिए था वही का था? नहीं नई बस्ती का, नई बस्ती का। सुबह कहने लगा यहाँ पे झाड़ू मत लगाओ, झाड़ू नहीं लगाओ क्या? इधर से थोड़े हम उनका वो बना था आंगन का, कह रहा इधर से लगा, हमने इधर की ड्यूटी नहीं है हमारी। हाईवे पे ड्यूटी लगती है तो हम लोग झाड़ रहे थे, तो एक लड़का आया तो वो कहने लगा यहाँ झाड़ू मत लगा। तो हमने जहाँ का ऑर्डर मिला वहीं तो झाड़ू लगाएंगे, कहने लगे यहाँ नहीं लगाओ हमारे साथ चलो थोड़ी दूर में झाड़ू लगाने। तो उनकी दिमाग खराब है क्या? तो उसने हमारी झाड़ू खींची, हम लोगों के साथ बदतमीजी की और उल्टी सीधी गालियां देने लगा। फिर क्या जब हम लोग आवाज लगाई तो बिलात लोग इकट्ठे हो गए, कोई वो भाग गया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों के साथ इंसाफ हो। क्या नाम है आपका? अशोक प्याल। क्या है पूरा प्रकरण? कल बरगो सागर भी गए थे नगर पालिका, क्या प्रकरण है, क्या हाल हुआ? कल प्रकरण ये है, ये महिला सफाई कर्मचारी हमारी आउटसोर्सिंग की, श्रीमती माया पत्नी स्वर्गीय राजेश, इसके साथ में वहाँ के किसी व्यक्ति द्वारा अपमानजनक स्थिति और थोड़ा सा वातावरण जो किया है वो अशोभनीय है। उसकी हम लोग कल गए थे बरगो सागर में, गए थे वहाँ भी बात हुई और सफाई कर्मचारी जो बरुआ सागर के पूरे सफाई कर्मचारी इन्होंने काम भी बंद कर दिया है। वहाँ पर सफाई व्यवस्था कल से बंद कर दी है क्योंकि ये दो दिन पहले की घटना है, 31 तारीख की। 31 तारीख से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पीड़ित को न्याय नहीं मिला। तो हम लोग आज जिला अध्यक्ष होने के नाते हम लोग कप्तान साहब से मिलने आए थे, उन्होंने आदेश दिया है कि सीओ सदर साहब उसकी जाँच करेंगे, प्रकरण की पूरे प्रकरण की जाँच होगी और जो भी न्याय पीड़िता को वो दिलाएगा। नहीं होगा हल तो क्या करोगे? अगला सफाई व्यवस्था बंद तो है, बंद है। 4 तारीख के बाद कल यहाँ का वो निपट जाए चुनाव का तो झांसी बंद करा देंगे और क्या हो जाएगी व्यवस्था? ऐसा थोड़ी है। अरे हम लोगों ने इज्जत थोड़ी बेची, हाथ बेचे, इज्जत थोड़ी बेची कि कोई भी किसी महिला से कैसे ही बोल जाए, बदतमीजी करे और कोई सुने नहीं। भाई प्रशासन नहीं सुनेगा क्या करेंगे? काम बंद होगा, हड़ताल, काम बंद कराई जाएगी, फिर काम झांसी का करा दिया जाएगा। प्रशासन नहीं सुनेगा तो फिर यही है, नहीं तो छोटी सी समस्या को तूल दिया जा रहा है उसे, और वहां पर आपसी कुछ मामला है ऐसा समझ में आ रहा है।